कि आप देख पा रहे हो सामने लगी है चार एलईडी पर और यह है DMX512। DMX512 पे आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एलईडी की बेसिक रनिंग एंड कलर चेंज एंड ऑल। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि DMX512 पे शार्पी कैसे चलाई जाती है। और ये जो मेरा DMX है नॉर्मल DMX, कोई ब्रांडेड DMX नहीं है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो हम लोग यहाँ से DMX को ऑन करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक बटन है मेरा DMX जो कि नॉर्मल, इसलिए मेरे इसमें 23 बैंक है। अगर आपको कोई एस प्रो का वगैरह है दूसरा DMX होगा उसमें 30 बैंक्स हो गए, उसमें उन अलग अलग रनिंग सेट कर सकते हैं। और ये चेस बटन है, ये भी आपको बाद में सिखाऊंगा वीडियो के एंड में। हम फिलहाल फर्स्ट बैंक पे रहते हैं। और LED की एड्रेसिंग सबसे मेन पॉइंट होता है। मैं भी जब स्टार्टिंग में तो मुझे भी एड्रेस वगैरह मालूम नहीं था। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट LED की एड्रेसिंग क्या डालनी है, तो मेरी जो LED है वो LPC008H है, क्योंकि मुझे सब वायर दी गई है, लूपिंग की वायर, XLR वगैरह सब ऑलरेडी है। तो मेरे इसमें एड्रेस डाले कि A001, A017, A033, A049। अगर आपके इसमें A001 की सेटिंग है तो आप D001 करके डाल सकते हो, बट आपको डिफरेंस रखना है 16 का डिफरेंस रखना है, तो आगे ऐड करते जाना है। एक नॉर्मल बेसिक रनिंग के लिए आप DMX512 में 12 LED डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्कैनर्स 12 है। और अगर आपको और LED डालनी है तो आप उसमें 24 भी ऐड कर सकते हो, और सिंगल रनिंग होना पॉसिबल है, बट थोड़ा मेथड अलग है, थोड़ा सा हार्ड जाता है और टाइम वेस्ट होता है उसमें, वो मैं आपको बाद में के वीडियो में समझाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट LED ऑन, स्कैनर ऑन किया तो फर्स्ट LED ऑन होगा, सेकेंड ऑन किया तो सेकेंड, वैसे थर्ड एंड फोर्थ। आपको इतना तो बेसिक मालूम होगा, ये स्प्लिटर है, ये रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों ऊपर किए तो वाइट, ये फ्लैश एंड ए कलर चेंज मल्टी कलर। ये था बेसिक। अभी हमें जो स्टार्ट करना है मेन पार्ट, जो सब मुझे क्वेश्चन करते थे कमेंट्स में, मैंने फर्स्ट वीडियो ये बनाया आपके लिए। यहाँ पे है प्रोग्राम बटन, मीडी ऐड, अपना जो रनिंग ऐड करने का एक एक LED का, वो ऑटो एंड डिलीट, अगर कोई रनिंग डिलीट करना हो तो वो, और ऑटो पे चलाने के लिए लाइक रनिंग ऐसा चलते रहेगा। एंड सेकेंड वन उसके बाद है कि म्यूज़िक, लाइक म्यूज़िक का बटन ऑन किया तो जैसा कि अपना DJ का बेस वगैरह बजता है उस पर आपका रनिंग चलते रहेगा, अगर बेस बंद हुआ, आवाज़ बंद हुआ तो रनिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। या ये ब्लैकआउट, चेस बटन हमारे रनिंग के लिए यूज़ होता है। तो आओ दोस्तों रनिंग डालना स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, प्रोग्राम बटन दबा के हमें इस सीन्स बटन्स में अपना LED सेट करना है, फिर वो सीन्स अपने चेस 1 चेस 2 में और सेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो कि आपको आसान गिरे, क्योंकि मैं वंस अपॉन अ टाइम मैं भी एक बिगिनर था, मुझे भी कुछ आता नहीं था, और मैंने भी अपना वीडियोस देख देख के खुद मेहनत करके भी मैंने सीखा। आप आज मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मैं LED में नाम वगैरह भी डालता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दबाएंगे यहाँ पे प्रोग्राम बटन, जो कि यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा प्रोग्राम का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और मैं चलाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट LED, स्प्लिटर ऑन किया, रेड लाइट ऑन किया, और मैंने मिडी प्रोग्राम के नीचे ही मिडी ऐड बटन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मिडी ऐड बटन दबा के मैंने फर्स्ट पे सेट किया, पूरा DMX का लाइट ब्लिंक हो गया, मतलब आपका सेट हो गया। फिर पहला LED बंद करना है आपको, फर्स्ट स्कैनर्स भी बंद करना है, सेकेंड LED ऑन करना है, सेम रेड कलर डालना है, वो सेकेंड बटन पे करना है, सेकेंड पे सब लाइट ब्लिंक हुआ DMX का, फिर से सेकेंड LED बंद करना है, देन थर्ड LED ऑन करना है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो मेरी LED बराबर जल रही है, ये भी बंद करके फिर चौथा LED ऑन करना है। यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा DMX बहुत मतलब पूरा नहीं, इसलिए मेरा चौथा और सातवां बटन ख़राब हुआ है, काम नहीं कर रहा है, तो मैं पाँचवें पे डालूंगा मेरा चौथा LED, वैसा आपका नहीं रहेगा, आप चौथे पे डालना अपना LED। ओके, बाद में ये भी क्लोज करना, ये दबाना। और अब आगे करना क्या है, हमें ऑटो, अब हमने मिडी ऐड का 1 2 3 4 LED यहाँ पे सेट किया है, अभी हमें उसका रनिंग सेट करना है चेस 1 में। ऐसा आप यहाँ पे 6 बड़ा बड़ा रनिंग सेट करके सकते हो, क्योंकि यहाँ पे चेस 6 ही दिया गया है अपने को DMX में। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ऑटो डिलीट दबा के फर्स्ट चेस 1 डिलीट करूँगा, ऑटो डिलीट का जो बटन है उससे वो दबा के, जब मैंने चेस 1 दबाया तो चेस 1 में जो पहले के इफेक्ट थे जो मैंने रनिंग सेट की थी वो डिलीट हो गए। तो फिर से आपको सिर्फ चेस 1 दबाना है, और स्कैनर जो आपका ये है ना बैंक 1 में अपन ने सेट किया था, 2 3 4
के बारे में। मैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको शार्पी कैसे हैंडल होती है, मूविंग हेड जो अपन चलाते हैं वो कैसे हैंडल होता है DMX512 पे, और मैं जो LED पार है उसमें लेटर्स कैसे डालता हूँ, उसमें म्यूजिक पे मैं वीडियोस कैसे बनाता हूँ, वो सब भी मैं डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन रनिंग बंद करते हैं, उसके लिए अपन स्पीड नीचे किया, ऑटो बटन बंद किया, जो चेस